वेलकम, आपका स्वागत है समर्पण में। हम बढ़ते परिवर्तनकारी शक्ति हमने बता दी थी, भूकंप हमारे हो गया था, आप लास्ट वीडियो में जाकर देख सकते हो पहले वाले में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी स्पेशली कोर्स में दिया हुआ भी है हमारे वोल्केनोस, ठीक है, आंतरिक शक्तियों में, आंतरिक शक्तियों में गिना जाता है वोल्केनोस। और आकस्मिक घटनाओं में भूकंप और ज्वालामुखी की गणना की जाती है। आकस्मिक शक्तियां हैं ये भूकंप और ज्वालामुखी। भूकंप हो गया है और ज्वालामुखी की बात करते हैं चर्चा। आज के वीडियो में ज्वालामुखी के संबंधित जो महत्वपूर्ण टर्म्स हैं उनको लेकर हम चलेंगे। कौन कौन से चीजें हैं, जो छोटे छोटे टर्म हैं, जो छोटी छोटी बातें हैं जो हम पता नहीं होती है, या हम पता होने के बाद एग्जाम में जल्दबाजी में उसे गलत कराते हैं, तो आपको यही याद हो जाएंगे वो सब सारी चीजें छोटी छोटी ज्वालामुखी से जुड़ी हुई है। ठीक है, हम ऊपर सीधे से लेकर डीपली तक जाएंगे, आपको जहां तक ध्यान रहे आप इसको पूरा कंटिन्यू कर सकते हो। शुरू करते हैं ज्वालामुखी। सबसे पहले बात करते हैं ज्वालामुखी कहते किसे हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ज्वालामुखी किसे कहते हैं। नाम से स्पष्ट देखो ज्वालामुखी मतलब ज्वालामुखी किसे कहते हैं, जहां से ज्वालामुखी किसे कहते हैं, ज्वाला का मुख यानी जहां से आग की, जिस मार्ग से आग की ज्वाला निकलती है या आग निकलती है। ठीक है, जिस मार्ग से आग निकलती है, जहां से वह छिद्र जहां से आग निकलता है उसे क्या कहा जाता है, ज्वालामुखी कहा जाता है। वह छिद्र जहां से आग निकलती है उसे ज्वालामुखी कहा जाता है, यानी ज्वाला का मुख, आग का मुख। दैट्स क्लियर। अगला पॉइंट है ज्वालामुखी उद्गम। ठीक है, ज्वालामुखी उद्गम, ज्वालामुखी उद्गम होता क्या है। देखो, मैंने जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ाई थी, पृथ्वी की आंतरिक संरचना अभिनव मत के अनुसार मॉडर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है, उसमें बताया था, क्या बताया था कि ज्वालामुखी का जो उद्गम है या ज्वालामुखी में जो लावा निकलता है जिसे मैग्मा की हम बात करते हैं, वह दुर्बलता मंडल से निकलता है। कहां से प्राप्त होता है हमें, दुर्बलता मंडल, एस्ट्रोस्फीयर से मिलता है। दैट्स क्लियर। ज्वालामुखी उद्गम बता दो क्या, पृथ्वी के आंतरिक भाग में दुर्बलता मंडल से लावा या ज्वालामुखी का उद्गम होता है। दैट्स क्लियर, यानी लावा या मैग्मा वहां से प्राप्त होता है, वहां से निकलता है, धरातल पर पहुंचता है। तो ज्वालामुखी किसे कहते हैं, ये हो गया ज्वालामुखी का उद्गम हो गया। ज्वालामुखी का जब उद्गम होता है या ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तब होता क्या है, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में, पृथ्वी का मान लो ये धरातल है, ये धरातल का ऊपरी भाग है, ये धरातल का आंतरिक वाला भाग है, तो धरातल के जैसे आप देख रहे हो ये आपके धरातल जो लिखे हुए ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है, ये धरातल वाला पार्ट है, ये आंतरिक भाग है। तो धरातल के आंतरिक भाग में क्या क्या चीजें है, धरातल के आंतरिक भाग में गैस है, ठीक है, उसके अलावा मैग्मा जिसे बोलते हैं, ठीक है, धूल है, राख, चट्टान, ये सब चीजें पृथ्वी के आंतरिक भाग में है। ठीक है, ये आंतरिक भाग में जब बाहर निकलती है तो हम उसे क्या कहते हैं, उन चट्टान इन गैसों को, इन सबको ज्वालामुखी का रूप दे देते हैं। अब आगे बात करते हैं, ये चीज होगी सामान्य बातें, अब शुरू करते हैं आगे। अगली बात होगी मैग्मा क्या होता है, और दूसरा शब्द है मैग्मा और लावा। देखो इनमें कंफ्यूजन रहता है, मैग्मा किसे कहते हैं, लावा किसे कहते हैं, आज इस कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं। मैग्मा देखना, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो दुर्बलता मंडल, मान लो ये पूरा दुर्बलता मंडल है, ये पूरा क्या है, दुर्बलता मंडल, ये आपके दुर्बलता मंडल है, ठीक है, दुर्बलता मंडल कैसे हम बोलते हैं, मैग्मा चैम्बर, क्या बोल सकते, मैग्मा का पूरा चैम्बर है जहां पूरा ये मैग्मा भरा हुआ है। ठीक है, या चट्टान तरल या चिपचिपी गाढ़ी पदार्थ के रूप में मौजूद है। अब इन दुर्बलता मंडल से मैग्मा की बात करते हैं, जब ये चट्टानी पदार्थ, जो चिपचिपा पदार्थ, ठीक है, जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में ही है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में ही जब ये तरल चट्टानी पदार्थ है जो गर्म है, वह जब तक पृथ्वी के आंतरिक भाग में ही रहेंगे तब तक उसे क्या कहा जाता है, तब तक उसे मैग्मा कहा जाता है। उन गर्म या चट्टानी पदार्थों को, उन तरल चट्टानी गर्म पदार्थों को क्या कहा जाता है, मैग्मा, जब तक पृथ्वी के आंतरिक से, यानी पृथ्वी के इस नदी तक, ये आप जो देख रहे हो ये पूरा अभी तक मैग्मा ही कहलाएगा, क्या कहलाएगा, मैग्मा। इसे हम क्या बोलेंगे अभी, ये मैग्मा ही, इसे हम लावा नहीं कह सकते, ये मैग्मा, यानी जब तक वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में, मैग्मा के नाम से कहलाएगा, मैग्मा के नाम से जाना जाएगा। तो लावा किसे कहते हैं, जब यही मैग्मा जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में, यही मैग्मा किसी माध्यम से या किसी पृथ्वी के किसी छेद के माध्यम से या विस्फोट के साथ यही मैग्मा जब बाहर निकलता है, यही मैग्मा जब बाहर निकलता है
उससे हम क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। क्या कहते हैं, लावा। यानी वह चट्टानी गर्म पदार्थ जब तक पृथ्वी के आंतरिक भाग में है, ठीक है, यानी क्या पदार्थ है, गैसें हैं, चट्टाने हैं, धूल है, राख है, ये सब चीजें आ गई। जब तक वो अंदर है तब तक मैग्मा, और जब वह धरातल पर आ जाते हैं तब उसे हम लावा के नाम से कहते हैं या लावा के नाम से जानते हैं। तो मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाना जाता है और लावा धरातल पर कहा जाता है। एक ही चीजें, वही जैसे चट्टाने, इन धूल राख कण सब इसमें ही है। तो मैग्मा और लावा समझ गए, दैट्स क्लियर। लावा दो प्रकार का होगा, लावा कितने प्रकार का होता है, लावा दो प्रकार का होता है, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। लावा कौन कौन से दो प्रकार है, एक है अम्लीय लावा और दूसरा है पेटिक लावा। दूसरा कौन सा लावा, अम्लीय, पहला अम्लीय लावा और दूसरा है पेटिक लावा। अम्लीय लावा किसे कहते हैं, अम्लीय लावा का दूसरा हम बोल सकते हैं एसिड। क्या कह सकते हैं हम उसे, एसिड, ठीक है। अम्लीय लावा को हम कह सकते हैं एसिड। एसिड लावा, दैट्स क्लियर। पेटिक को हम क्या बोल सकते हैं, बेसिक, बेसिक लावा, ठीक है। अम्लीय लावा, पेटिक लावा। देखो अम्लीय लावा क्या होता है, गाढ़ा होता है। ऐसा होता है, अम्लीय लावा की पहली विशेषता क्या होती है, ये गाढ़ा होता है, ठीक है। इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है। अम्लीय लावा की पहली विशेषता गाढ़ा होता है, सिलिका की मात्रा अधिक होती है। कितनी, 75% से अधिक, 75% से 75% से अधिक होती है सिलिका की मात्रा, ठीक है। गाढ़ा होता है, सिलिका की मात्रा 50% से अधिक होती है, इसलिए यह गाढ़ा होता है, ठीक है। इसलिए इसको अम्लीय लावा कहा जाता है। यह अम्लीय लावा है वह पर्वत का निर्माण होता है, ठीक है, ज्वालामुखी के माध्यम से, इन लावा के माध्यम से किसी धरातल की वस्तु का निर्माण होता है, ठीक है, या स्थलाकृति का निर्माण होता है, तो वो पर्वत होता है। यानी पर्वत निर्माण में सहायक है। कौन से निर्माण में, पर्वत निर्माण में अम्लीय लावा क्या होते हैं, सहायक होते हैं, दैट्स क्लियर, ठीक। उसके बाद ये हल्का होता है, कैसा होता है, हल्का होता है। रंग इसका हो सकता है पीला होता है, कैसा रंग होता है इसका, पीला रंग होता है और हल्का होता है। ये अम्लीय लावा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेटिक लावा। देखो अम्लीय गाढ़ा, पेटिक लावा प से पेटिक और प से पतला, कैसा होता है, यह पतला होता है, दैट्स क्लियर। इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है, और सिलिका की मात्रा कम होने के कारण ही ये कैसा होता है, पतला होता है, इसे इसको पेटिक लावा बोला जाता है, ठीक है। तो 75% से कम होती है, ये 75% से अधिक, और इसमें सिलिका की मात्रा 75% से 70% कम, कितनी भी कम हो सकती है, ठीक है, पतला होता है। उसके अलावा कह सकते हैं अम्लीय लावा पर्वत निर्माण में सहायक है, तो पेटिक लावा पठार निर्माण में, कौन से निर्माण में, पठार निर्माण में सहायक होता है। तो ये बात हुई अम्लीय और पेटिक लावा की, दोनों की, दैट्स क्लियर। इन चीजों को आप नोट कर देना, डिवाइन करके आप देख भी सकते हो, इनको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, आगे शुरू करते हैं ज्वालामुखी नली या ग्रीवा क्या होता है। देखो ज्वालामुखी नली या ग्रीवा, ये हमारे कंप्लीट हो गए। देखो नाम से ज्वालामुखी की नली या ज्वालामुखी का गला कौन सा है, तो ये ज्वालामुखी आप देख रहे हो, ज्वालामुखी शंकु है, ये पूरा तरह से है। यानी देखो ये धरातल है, ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना जहां मैग्मा जमा हुआ है, जहां से निकलता है उसे लावा कहते हैं। इसी लावा से ये जो ढाल रूपी निर्माण है उसे बोलते हैं ज्वालामुखी शंकु। क्या कहा जाता है, ये जो आप पर्वत देख रहे हो, ठीक है, इस पर्वत को हम क्या बोल सकते हैं, ज्वालामुखी शंकु कहते हैं। इसको मैं लिख रहा हूं, ज्वालामुखी शंकु कहा जाता है इसे, इस ढाल वाले भाग को, ज्वालामुखी शंकु, शंकु का निर्माण कर रहा है, दैट्स क्लियर। तो ज्वालामुखी शंकु चला गया। अब जिस मार्ग से लावा निकलता है, यह मैग्मा जिस माध्यम से पृथ्वी की धरातल पर सतह पर पहुंचता है, उस माध्यम को, उस नली को क्या कहा जाता है, ज्वालामुखी नली या ग्रीवा। क्या कहा जाता है, ज्वालामुखी गली या ग्रीवा कहा जाता है। यानी मैग्मा जिस नली के माध्यम से, जिस रास्ते के माध्यम से धरातल पर पहुंचता है, उसे ज्वालामुखी नली या ग्रीवा कहा जाता है। जैसे मेरी आवाज आ रही है अंदर से बाहर की ओर, ठीक है, तो ये गला है, तो उसी के माध्यम से, तो ये ज्वालामुखी नली क्या हो सकते हैं। अगर मेरे अंदर ज्वाला भरा हुआ हो, है तो नहीं, पर अंदर में भरा हुआ है,
ठीक है, और वो किसी माध्यम से बाहर आता है धरातल पर, ठीक है, अंदर तो मैग्मा जो बाहर आएगा तो लावा, और जिस माध्यम से आएगा ज्वालामुखी की नली कहलाएगी, क्या कहलाएगी, ज्वालामुखी की नली, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट बात है ज्वालामुखी छिद्र क्या होता है, ठीक है, अब उसकी बात करते हैं, ये हो गया ज्वालामुखी छिद्र। ज्वालामुखी छिद्र यानी जिस मैग्मा जिस माध्यम से नली के माध्यम से ऊपर आता है और धरातल पर जिस स्थान से वो निकलता है, धरातल पर जिस स्थान से मैग्मा बाहर निकलता है या लावा के रूप में बाहर आता है, तो उस स्थान को उस छेद को जहां से वो चीजें निकलती हैं ज्वालामुखी ये पदार्थ जो निकलते हैं उन छेद को क्या कहा जाता है, ज्वालामुखी छिद्र। उस चीज को क्या कहा जाता है, ज्वालामुखी छिद्र। तो मैं आपको बता देता हूं, ये तो हुई ज्वालामुखी नली, दैट्स क्लियर। इसको बोल सकते हैं इसको ज्वालामुखी छिद्र, क्या कहेंगे, ज्वालामुखी छिद्र, जहां से लावा या मैग्मा लावा के रूप में बाहर निकलता है जिस छेद से। अगली बात करते हैं क्रेटर क्या होता है, देखना ज्वालामुखी छिद्र आपको पता चल गया, ये डायग्राम आप बना लेना उसमें सारी चीजें आ जाएंगी। अगला है क्रेटर, क्रेटर किसे कहते हैं, क्रेटर, ठीक है, देखना क्रेटर किसे कहा जाता है, जो ये आप भाग देख रहे हो जहां से ज्वालामुखी छिद्र, ये ज्वालामुखी छिद्र है, जब ये ज्वालामुखी छिद्र का आकार बड़ा हो जाएगा, यदि ये ज्वालामुखी छिद्र है परंतु जब इसका आकार क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है, मान लो इसका आकार इतना हो गया, इस छेद का आकार पहले छिद्र था, छिद्र था मान लो, छिद्र कैसे था, यहां पर था, ठीक है, तो इसी तो हम बोलते थे ज्वालामुखी छिद्र, दैट्स क्लियर। परंतु जब इसका आकार बड़ा हो गया, क्या हो गया, इसका आकार क्या हो गया, बड़ा हो गया, पहले इतना था अब इतना हो गया, तो इस बड़े आकार को क्या कहा जाता है, क्रेटर कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रेटर, दैट्स क्लियर, क्रेटर का होता है, ठीक है, यानी ज्वालामुखी छिद्र का मुख बड़ा होना क्रेटर कहलाएगा। क्रेटर में जब ज्वालामुखी विस्फोट खत्म हो जाता है, विस्फोट होने बंद हो जाता है, ज्वालामुखी उद्गार बंद हो जाता है, और जब इसमें बरसात का पानी भर जाता है, बरसात का इसमें क्या हो जाएगा, पानी भर जाएगा, तो इसको क्या कहते हैं, क्रेटर झील कहा जाता है, क्या कहा जाता है, क्रेटर झील, यानी क्रेटर में जब बरसात का पानी भर जाता है और एक झीलनुमा आकृति बन जाती है उसको कहते हैं क्रेटर झील, क्या कहा जाता है, क्रेटर झील, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट बात एक है घोंसलेदार क्रेटर क्या होता है, घोंसलेदार क्रेटर क्या होता है, देखना ये तो क्रेटर हो गया, मैं एक डायग्राम और बना देता हूं आपको जल्दी समझ में आ जाए। मान लो ये कोई क्रेटर है, ये क्या है, कोई क्रेटर है, दैट्स क्लियर। इस क्रेटर में जब ज्वालामुखी विस्फोट बंद हो गया है, ठीक है, पर अचानक वापस नया ज्वालामुखी विस्फोट हो जाता है और अंदर एक छोटा सा शंकु का निर्माण और हो जाता है, ठीक है, और उसका भी मुख बड़ा हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, घोंसलेदार क्रेटर। क्रेटर में एक और क्रेटर बन जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, घोंसलेदार क्रेटर कहा जाता है। और क्रेटर में जब पानी भर जाता है तो क्या कहा जाता है, जल भर जाता है, वर्षा का जल, तो क्रेटर झील कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रेटर झील। यानी क्रेटर में एक और छोटे शंकु का निर्माण होता है और शंकु का आकार भी क्रेटर के समान हो जाता है, तो उसे कहा जाता है घोंसलेदार क्रेटर, क्या कहा जाता है, घोंसलेदार क्रेटर। इसका एक उदाहरण है फिलीपींस का माउंट ताल ज्वालामुखी, फिलीपींस जो है अभी वहां का कौन सा, माउंट ताल ज्वालामुखी घोंसलेदार क्रेटर का एक उदाहरण है, क्रेटर झील हो गया, क्रेटर स्टूडेंट पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट है कोल्डेरा किसे कहते हैं, अगला पॉइंट है कोल्डेरा किसे कहा जाता है, तो कोल्डेरा का देखो ज्वालामुखी छिद्र से बड़े रूप को क्रेटर कहते हैं, क्रेटर के बड़े रूप को यानी क्रेटर यानी क्रेटर का जो मुख है, ठीक है, ज्वालामुखी का जो क्रेटर है वह और बड़ा हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, और बड़ा हो जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे कोल्डेरा, क्या कहेंगे, कोल्डेरा, दैट्स क्लियर, उसे हम क्या कहेंगे, कोल्डेरा कहेंगे, ठीक है। ज्वालामुखी छिद्र, ज्वालामुखी छिद्र से बड़ा रूप को क्रेटर, क्रेटर के बड़े रूप को कोल्डेरा कहते हैं, क्या कहते हैं, कोल्डेरा के नाम से जाना जाता है, ये कोल्डेरा, दैट्स क्लियर। अब कोल्डेरा वर्षा पर जल भर जाए तो कौन सी झील कहलाएगी, कोल्डेरा झील, ठीक है,
कोल्डेरे का आकार भी कह सकते हैं कढ़ाई के जैसा हो सकता है, कढ़ाई कैसी होती है, अंदर से गहरी ठीक है, बाहर से बहुत चौड़ी, वो कोल्डेरा का रूप हो सकता है, यानी छिद्र से बड़ा क्रेटर, क्रेटर से बड़ा कोल्डेरा। अब कोल्डेरा में भी वर्षा का जल भर जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, कोल्डेरा झील, उसको हम क्या कहेंगे, कोल्डेरा झील कहेंगे। अब कोल्डेरा, ये बात होगी कोल्डेरा झील के उदाहरण क्या है उनको आपको नोट करना है। कोल्डेरा झील के जो उदाहरण है, एक तो है लोनार झील, लोनार झील कहां है, महाराष्ट्र में, ये नोट करना। दूसरी है पुष्कर झील, ये राजस्थान से जुड़ी हुई तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पुष्कर झील ठीक है अजमेर में है, दैट्स क्लियर, राजस्थान में। और तीसरी है ओरेगन झील, ओरेगन झील ये कहां पर है, ये अमेरिका में। ये तीनों झीलें कोल्डेरा झील के उदाहरण हैं। तो ये बात हुई हमारे किन की बात हुई, जानो कि छिद्र, क्रेटर, कोल्डेरा, कोल्डेरा झील, क्रेटर झील और घोसलेदार क्रेटर की, दैट्स क्लियर। तो ये पोर्शन हमारा पूरा कंप्लीट हुआ ज्वालामुखी के चीजों को लेकर के। अगला बात करते हैं लावा डार्ट या लावा प्लग क्या होता है, लावा डार्ट या लावा प्लग क्या होता है, ये चीज आप बना लो अभी, नेक्स्ट मैं इसको मिटा रहा हूं, आप रिमाइंड करके बना लेना, दैट्स क्लियर। शुरू करते वापस, अब बात करते हैं वापस कि लावा डार्ट या लावा प्लग किसे कहते हैं। देखो ये ज्वालामुखी नली है, आपको पता है ज्वालामुखी शंकु है ठीक है, यानी ये ज्वालामुखी है जहां से लावा बाहर निकलता है, ये विस्फोट होता है। लावा डार्ट किसे कहते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट हो जाने के बाद, मान लो कि ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और विस्फोट हो जाने के बाद ज्वालामुखी शांत हो गया, अब शांत होने के बाद जो लावा अंदर जमा रह गया, जो लावा इस नली में जमा रह गया और इस डार्ट पर क्या हो गया, ये जो मुख है ज्वालामुखी छिद्र है उस छिद्र पर लावा, लावा क्या होगा, जमा हो गया, यानी पैक हो गया, पैक कर दिया, प्लग लगा दिया ठीक है, अब बाहर नहीं निकल सकता, पूरा जम गया है, लावा ठंडा हो गया, जम गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, लावा डार्ट या लावा प्लग, ज्वालामुखी प्लग कहते हैं, यानी ज्वालामुखी प्लग लगा दिया, डार्ट लगा दिया ताकि कोई ज्वालामुखी बाहर नहीं आएगा, नहीं दिख रहा ठीक है, दैट्स क्लियर। यानी ज्वालामुखी शांत होने के बाद ये प्रक्रिया होती है, लावा डार्ट या लावा ज्वालामुखी प्लग हो गया। अगला पॉइंट, ज्वालामुखी ग्रीवा आपको पता ही है, इस नली को ग्रीवा कहते हैं जिसमें मैग्मा का जमा होता है। जब ये भी जब ज्वालामुखी शांत हो जाता है तो ये जम जाता है, लावा प्लग या ज्वालामुखी छिद्र है वो भी बंद हो जाता है, और इन दोनों के सम्मिलित रूप को यानी लावा डार्ट और ज्वालामुखी नली या ग्रीवा में जमा हो जाता है, उन दोनों के सम्मिलित रूप को, इसको और इसको, इन दोनों के सम्मिलित रूप को कहते हैं डायट्रम ठीक है, यानी प्लग लग गया, डार्ट भी लग गया और नली में जमाव भी हो गया मैग्मा का, उसे क्या कहते हैं, डायट्रम कहा जाता है, क्या कहा जाता है, डायट्रम, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट ये हमारा हो गया लावा डार्ट ज्वालामुखी प्लग, उसके अलावा डायट्रम भी कंप्लीट ठीक है। इन जितनी चीजें मैं बोल रहा हूं उनको आप नोट करना है, इन पॉइंटों को बना करके और डायग्राम में भी आप शो कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं धुआरा किसे कहते हैं। देखो ज्वालामुखी जो विस्फोट होता है, अब वापस हम इस डार्ट को खोल देते हैं ठीक है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है और ज्वालामुखी विस्फोट होने के बाद, विस्फोट हो जाने के बाद जब उसमें से ज्वालामुखी विस्फोट होने जाने पर जो उसमें गैस निकलती रहती है, क्या निकलती रहती है, धुआं निकलता रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, धुआं निकलता है यानी गैस निकलती है और जल वाष्प निकलती है, जस्ट जब उसमें धुआं निकलता है, क्या निकलता है, मान लो धुआं निकलता है ठीक है और जल वाष्प निकलती रहती है, तो उसे क्या कहते हैं, धुआरा कहते हैं, क्या कहते हैं, धुआरा कहा जाता है। अब कभी कभी जब ये धुआं निकलता है या गैस निकलती है उसमें से गंधकीय गैस, कौन सी, गंधकीय गंधक वाला धुआं निकलता है ठीक है, तो उसे कहा जाता है स्वल्पतारा, क्या कहा जाता है, जब गैसें या जल वाष्प निकलती है, जल वाष्प के साथ गंधकीय धुआं, गंधक वाला धुआं निकलता है तो उसे स्वल्प तारा कहा जाता है, गंधकीय धुआरा को क्या कहा जाता है, स्वल्प तारा, और सिर्फ गैस और जल वाष्प निकलता है तो धुआरा कहा जाता है, दैट्स क्लियर।
उसके अलावा तुम्हारा भी एक उदाहरण है, देख सकते हो यूएसए के अलास्का में कटमई ज्वालामुखी है, यूएसए के अलास्का में कटमई ज्वालामुखी है जहां पर 10,000 धुआरों की घाटी कहा जाता है। इसे क्या यानी वो कटमई ज्वालामुखी से हमेशा धुआं निकलता रहता है, वो एक धुआरा का एक उदाहरण है। ठीक है, तो उसे क्या 10,000 धुआरों की घाटी कहां है, तो अलास्का यूएसए में है कटमई ज्वालामुखी। दैट्स क्लियर, ये उदाहरण बता दिया मैंने। नेक्स्ट बात करते हैं उष्णोत्स या गीजर या गैसर किसे कहते हैं। देखो तीनों एक ही, उष्णोत्स हिंदी में कहेंगे, गीजर और गैसर ये इंग्लिश शब्द है। दैट्स क्लियर, उष्णोत्स क्या है, देखो जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, क्या होता है जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है और विस्फोट के बाद जब उसमें से गैस निकलती रहे या गर्म जल निकलता रहे, क्या निकलता है गर्म जल बाहर की ओर निकलता रहे, तो उसको क्या कहते हैं उष्णोत्स गीजर या गैसर कहते हैं। गीजर मतलब गर्म पानी का स्रोत, यानी जब उसमें से गर्म पानी बाहर कुछ क्षण के बाद अपने आप क्या होता है बाहर कुछ ज्वालामुखी स्थान से क्या होता है बाहर निकलता रहता है, उसे उष्णोत्स गीजर या गैसर कहा जाता है। इसमें एक चीज ये है, इसका उदाहरण है उष्णोत्स गीजर या गैसर का है यूएसए में यानी अमेरिका में यूएसए के येलोस्टोन नेशनल पार्क, येलोस्टोन नेशनल पार्क का ओल्ड फेथफुल गैसर, येलोस्टोन नेशनल पार्क का ओल्ड फेथफुल गैसर है वह उष्णोत्स गीजर या गैसर का उदाहरण है, इसको नोट करना है। अब हम बात करते हैं हॉर्निटॉप फायरग्लास ज्वालामुखी बम लेपरी स्कोरिया प्लूमियस की, ये थोड़ा हम डीपली जा रहे हैं ज्वालामुखी, ये अपना ज्योग्राफी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं हॉर्निटॉप क्या होता है, सबसे बात करते हैं हॉर्निटॉप क्या, तो ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है और विस्फोट होने के बाद मैग्मा जब बाहर आता है मैग्मा लावा का रूप लेता है, आपको बताइए मैग्मा क्या होता है लावा का रूप, लावा धीरे धीरे बाहर निकलते जब विस्फोट होता है तब तेज गति के साथ लावा का प्रवाह होता है, परंतु जब लावा का प्रवाह कम हो जाता है या धीमी गति से लावा का प्रवाह होता है विस्फोट होने के बाद, ठीक है जब लावा का प्रवाह धीमे हो जाता है प्रवाह कम हो जाता है तो उसको कहा जाता है हॉर्निटो, क्या कहा जाता है हॉर्निटो, यानी धीरे धीरे से लावा निकल रहा है लावा का प्रवाह हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे लावा प्रवाह नहीं कहेंगे उसको हम कहेंगे हॉर्निटो, क्या कहेंगे हॉर्निटो। क्लियर, नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं अगले पायरोक्लास्ट क्या होता है, पायरोक्लास्ट क्या होता है, देखो धरातल के आंतरिक भाग में चट्टाने भी हैं गैसें भी हैं धुएं भी हैं धूलकण भी है राख बहुत सारी चीजें, उनमें से जब ये ज्वालामुखी नली के माध्यम से ज्वालामुखी ग्रीवा के माध्यम से जब विस्फोट होने के बाद बाहर निकलते हैं जो चट्टानी टुकड़े मैग्मा के जो चट्टानी टुकड़े होते हैं उन चट्टानी टुकड़ों को विस्फोट के साथ वो चट्टानी टुकड़े जब बाहर निकलते हैं उन चट्टानी टुकड़ों को पायरोक्लास्ट कहते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट के साथ जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा के जो चट्टानी टुकड़े हैं ठीक है वो जब बाहर निकलते हैं तो उन चट्टानी टुकड़ों को पायरोक्लास्ट कहा जाता है। और भी देखना हो समझना हो रिवाइंड करके इसी जो पॉइंट को रिवाइंड कर देना। नेक्स्ट अगली बात करते हैं ज्वालामुखी बम क्या होता है, तो वो नाम से स्पष्ट है ज्वालामुखी बम। अब बम देखा होगा आपने, बम का आकार लगभग इतना होता है एक नाशपति नुमा, ठीक है एक नाशपति या सेब के आकार का होता है, तो ज्वालामुखी बम भी उसी प्रकार के होते हैं। क्या होता है कि मान लो ये ज्वालामुखी है, इस ज्वालामुखी से ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है और ज्वालामुखी विस्फोट के साथ जब ये मैग्मा जब बाहर आता है लावा के रूप में जब तेज गति के साथ ऊपर उछलता है, ठीक है लावा जब बाहर आता है लावा कहलाएगा ये मैग्मा लावा आएगा, लावा के साथ जब ये तेज गति से बाहर उछलता है और उछलने के बाद हवा में वो लावा क्या हो जाता है ठंडा हो जाता है, यानी मैग्मा या लावा जो क्या हो गया ठंडा हो गया और नाशपाती नुमा एक चट्टान या एक नाशपाती नुमा आकार ले लेता है, नाशपाती कैसी होती है उसके समान आकार ले लेता है वो मैग्मा, तो उस और फिर धरातल पर वो पहुंचता है, परंतु उसने आकार एक कठोर चट्टान या कठोर गोलाकार आकार ले लिया नाशपाती नुमा, उसको हम क्या बोलते हैं ज्वालामुखी बम। फिर जब धरातल पर वापस जब ठंडे होने के बाद आकाश में ठंडे होने के बाद जब धरातल पर नीचे गिरते हैं तो एक बम के रूप में उनका धरातल पर ये पड़ते हैं एक साथ नीचे गिरते हैं, इसको उसको क्या बोलते हैं ज्वालामुखी बम बोलते हैं, क्या बोला जाता है ज्वालामुखी बम की तरह। तो चट्टानी मैग्मा या लावा के चट्टानी या नाशपाती नुमा आकार वाले भाग को क्या कहा जाता है ज्वालामुखी बम। दैट्स क्लियर, नेक्स्ट लेपिली क्या होता है, जब ये ज्वालामुखी बम होते हैं ठीक है ये पदार्थों से बने गैसर चट्टान टुकड़ों से लावा से मैग्मा से, ये मैग्मा ये ज्वालामुखी बम है
जब इनका आकार मटर के दानों के समान हो जाए, किसके समान? मटर के दानों के समान हो जाएगा और फिर ये धरातल पर पहुंचेंगे, उन्हें हम लेपिली कहते हैं। क्या कहा जाता है? लेपिली। यानी ज्वालामुखी बम बड़े होते हैं, लेपिली मटर के दानों के जैसे होते हैं। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट, स्कोरिया क्या होता है? ये नाशपाती नुमा आकार होता है, ये मटर के दानों के समान होता है, और स्कोरिया होता है इससे भी छोटे छोटे, जब लावा से बनने पदार्थ, ठीक है, हवा में ही मटर के दानों से भी छोटे, यानी ज्वालामुखी बम से छोटे रूप को लेपिली, लेपिली से छोटे रूप को स्कोरिया कहा जाता है, और फिर धरातल पर पहुंचते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? स्कोरिया कहा जाता है, स्कोरिया। लेट्स क्लियर। यानी ज्वालामुखी बम का छोटा, लेपिली, लेपिली का छोटा रूप स्कोरिया। अब हम बात करते हैं प्यूमिस क्या होता है। ये अंदर था स्कोरिया जो होता है, स्कोरिया जब गोल गोल आकार में होते हैं उसे स्कोरिया कहते हैं, लेपिली भी छोटे रूप को, ठीक है। परंतु स्कोरिया जो होते हैं अगर वो नुकीले भाग होते हैं, कैसे बन जाए? नुकीले बन जाएंगे इस तरह, ठीक है, नुकीले, तो उन्हें क्या कहा जाता है? ब्रेसिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रेसिया। नेक्स्ट प्यूमिस क्या होता है? देखो प्यूमिस क्या होता है, जब यही चट्टान टुकड़े या मटर जैसे दाने वाले जब हवा में विस्फोट होता है, मैग्मा हवा में पहुंचता है और वह ठंडा हो जाता है, तब वह जालीदार या छिद्रदार, ठीक है, चट्टानी माने छिद्रदार, छोटे छोटे चट्टान बन जाते हैं, पत्थर के टुकड़े, ठोस कण बन जाते हैं, जिनमें छेद होते हैं, जिनमें क्या होते हैं? एक छोटा सा छेद होते हैं, छिद्रदार कठोर चट्टानी भाग को या कठोर ये पदार्थ को क्या कहा जाता है? प्यूमिस, जिसमें छेद होता है, ये जालीदार होते हैं। कैसे होते हैं? जालीदार। प्यूमिस कंप्लीट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये छोटा सा चीज है जिसमें देखो धरातल यानी जब विस्फोट होता है ज्वालामुखी से, उस समय ज्वालामुखी धूल निकलती है, ज्वालामुखी से राख निकलती है, ज्वालामुखी धूल भी निकलती है, राख भी निकलती है, लेपिली भी निकलती है, ये सब मिलकर के जब एक चट्टान बन जाती है, ज्वालामुखी धूल राख और लेपिली ये जो धरातल पर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद एक चट्टान बना देते हैं। क्या बना देते हैं? एक कठोर चट्टान बना देते हैं। उस चट्टान को क्या कहते हैं? टफ। क्या कहा जाता है? टफ कहा जाता है। यस क्लियर। तो ये बात हुई ज्वालामुखी से संबंधित जो टर्म थी वो हमने एक साथ आज पूरी कर ली है। अगले वीडियो में हमारे ज्वालामुखी यानी ज्वालामुखी प्रकार क्या, ठीक है, केंद्रीय उद्गार वाले, दरारी उद्गार वाले, ठीक है, उसका उसके उद्गार की अवधि के आधार पर, उद्गार की अवधि के आधार पर, तो ये ज्वालामुखी प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे, उनके उदाहरण देखेंगे जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो हमारे अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। उसके अलावा ज्वालामुखी की स्थलाकृतियां पढ़नी है, ज्वालामुखी स्थलाकृतियां ज्वालामुखी यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग में, ठीक है, धरातल से नीचे की ओर, ज्वालामुखी के नीचे की ओर जब बनती है, इन मैग्मा से आकृतियां बन जाती है धरातल के अंदर ही, तो आंतरिक स्थलाकृतियां पढ़नी है, और जब मैग्मा लावा के रूप में धरातल पर पहुंचता है तब विभिन्न प्रकार की धरातल पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां बना लेते हैं, उन आकृतियों के बारे में भी हमें पढ़ना है। तो आंतरिक स्थलाकृतियां पढ़ेंगे ज्वालामुखी की अगले वीडियो में, और बाह्य स्थलाकृतियां पढ़ेंगे ज्वालामुखी की, उसके बाद हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी के प्रकारों की चर्चा करेंगे, और फिर ज्वालामुखी का विश्व विकरण की बात करेंगे। तो आज को ये समझ में आया होगा तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू, एंजॉय।